यूपी के कन्नौज में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद प्रदीप सिंह यादव की अंतिम विदाई में आज पूरा जिला रो दिया। शहीद का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि देने के बाद बेटी सुप्रिया बेहोश हो गई। बेटी को प्राथमिक इलाज के लिए भेजा गया, जिससे पूरा परिवार सदमे में है। शहीद की पत्नी का भी रो रो कर बुरा हाल है। जनपद कन्नौज के हसरेन क्षेत्र के गाँव सुखसेनपुर में आज सुबह लखनऊ से सीआरपीएफ से डीआईजी जीसी जसवीर सिंह सिंधु के नेतृत्व में 115 बटालियन सीआरपीएफ के 30 जवानों की टोली शहीद प्रदीप सिंह का पार्थिव शरीर लेकर गांव पहुंची। इसके बाद गांव में ही राजकीय सम्मान के साथ जवान के शव का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान अपने लाल के अंतिम दर्शन के लिए इटावा रोड पर जैन सैलाब उमड़ पड़ा। हम से छुट्टी आ रहे हैं, उसके अगले दिन कहा था 12 तारीख को, तो हमने कहा आप कहाँ हो, तो कह रहे हम तो जा रहे हैं श्रीनगर ट्रिप में, तो कह आप आए क्यों नहीं, कह रहे हैं मूड बना दिया जाने का, बस इतनी बात हुई। फिर कहने लगे गैस सिलेंडर भरा लो, पर्ची किसी और को, कोई मांगने आए, कह रहे कौन है, हमने कहा गैस मांगने आए, तो कह रहे किसी से कुछ ना कहा करो, बस दे दो 400-500 की बात है, तुम दे दो पर्ची, सबकी मदद करते रहते थे। तो हमें गुस्सा लगाई, हमने कहा तो कुछ कही भी नहीं रहे, फिर फोन काट दिया। आपको आवाज सुनाई दी थी क्या फोन पे धमाके की? नहीं, धमाके के टाइम नहीं, 9 बजे हुई है मेरी बात, दोबारा फोन लगाते रहे, उनका बैटरी नहीं थी, क्या था सोचा। शहीदों के साथ में है और हर जगह के ऊपर, एक जगह ये नहीं है कि सिर्फ इस जगह के ऊपर है, हर जगह के ऊपर जिस तरह के हैं, हर जगह के ऊपर स्टेट की तरफ से, सेंटर की तरफ से, बहुत जितना भी है और आम लोगों की तरफ से जो सम्मान दिया जा रहा है इन शहीदों का, उसका मैं ऋणी हूँ। और मैं सोचता हूँ कि इससे बड़ा आज तक कभी भी सम्मान किसी शहीद को नहीं मिला है जितना कि इस गवर्नमेंट के टाइम पे और इस सरकार के टाइम पे मिला है। जिस तरह भी है, आप लोगों को मालूम है कि इस तरह से करना और किस तरह से करना है, जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आप लोगों ने सुना है कल, उन्होंने किस तरह से कहा है कि अब सहा नहीं जाएगा और खुले जो दी जाएगी, कम से कम जहाँ पे जो भी हमारे सैनिक हैं उनको छूट दी जाएगी, तो उससे हालात काफ़ी सुधरेंगे, काफ़ी कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर में सुधार आएगा, मैं यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। सरकार द्वारा हमारी पूरा सहयोग किया जा रहा है। सबसे पहले मैं, ये जो पुलवामा की घटना है बहुत ही दुखद घटना है, इसका मैं जितने भी हमारे जवान शहीद हुए हैं सबको आदरपूर्वक अपनी ओर से, अपने सरकार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जो भी हमारे जवान शहीद हुए हैं उनके बलिदान को जाया नहीं जाने दिया जाएगा। हमारी सरकार द्वारा कड़े से कड़े कदम उठा करके जो भी इसमें लिप्त आतंकवादी संगठन हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। हमारी सरकार द्वारा परिवार को, जो भी हमारे शहीद के परिवार हैं उनके परिवार का पूरा ध्यान रखा जाएगा, और सरकार द्वारा सभी जो हमारे शहीद का परिवार है उनको 25 लाख रुपये हमारी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जा चुका है, जो कि उनके खाते में पहुंच चुका है, और उनके नाम पे, शहीद के नाम पे, जिस सड़क पे हम खड़े हैं उनके गांव की सड़क है, इसका नाम भी उनके शहीद के नाम पे कर दिया जाएगा। और बहुत जल्द उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी जो भी कार्रवाई है उसको पूरा करते हुए 1 माह के अंदर उनको नौकरी भी सरकार द्वारा दे दी जाएगी। मंत्री जी, कहना कि जैसे मोहम्मद को फिर एक बार चीन ने बचा लिया है अपना वीटो पावर को इस्तेमाल करके, तो क्या कुछ ऐसा करा जाएगा चीन के लिए? आगे ले लो ना, जैसा कि मेरे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कल भी अपने उद्बोधन में कहा है कि हमारी सेनाओं को खुली छूट दे दी गई है, वो जिस भी तरह की रणनीति बनाए उन्हें खुली छूट है, अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई करें, और मैं समझता हूँ कि किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी और कड़े से कड़े जो भी कदम हैं, जो भी गुनहगार हैं उनको पूरी सज़ा दी जाएगी।